हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। तो अभी जस्ट फटाफट से मैं रेडी हो रहा हूँ भाई। अभी यास्मीन 2 दिन से मम्मी के घर गई हुई थी, तो अभी मुझे उसको लेके आना है क्योंकि आज चांद रात है और आज हमें बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ भाई क्या चीज़ पहनूँ। मतलब अपना तो क्या है, कुछ ही पहन सकते हैं, नॉर्मल सी जीन्स और नॉर्मल टी शर्ट भी चलता है। अब मैडम का फ़ोन आया, बोलती हैं कि भाई मेरे लिए जो है कुछ जो सूट्स वगैरह हैं शादी के वो लेकर आना। तो देखो ये 2 सूट्स से निकलवाए हैं, ये रखे। गंदगी देख के चौंकना मत भाई। देखो 2 दिन से वाइफ नहीं है यहाँ पे, देखो मेरा क्या हाल हो रहा है, पूरा बेड का तो सारा सामान चारों ओर जो है फैला हुआ है। अभी मैं रेडी हो रहा हूँ, 15 मिनट रेडी होके अपन चलते हैं यास्मिन को लेने के। ये वाला पर्स यास्मिन ने मंगाया है और ये 2 सूट मंगाए हैं आज पहनने के लिए। जो अच्छा लगेगा पहन लेगी, और मैं आज सोच रहा हूँ कि यार ये डार्क वाला आज मैं पहन लेता हूँ। लो भाई रेडी तो हो गया मैं जाने के लिए। देखो मैं रेडी हो गया 5 मिनट के अंदर। अगर यहीं पे अगर यास्तीन होती तो भाई पूरा 1 घंटा रहती, पूरा 1 घंटा। यही तो पावर है भाई। तो परफ्यूम हम ये लगाएं, ये लगाएं, ये दोनों हम बाली से लेकर आए थे, तो आई थिंक ये वाला ज़्यादा अच्छा है, तो मैं ये लगाना चाहूँगा आज। भाई 3 बज चुके हैं, इसी के साथ मौसम बहुत गजब का हो चुका है बाहर। ये देखो हल्की हल्की बारिश अभी आ रही थी, लेकिन अभी जो है, और अभी भी आ रही बारिश यार, हल्की हल्की बारिश आ रही है अभी यहाँ पे। और ऐसा है कि मतलब 2 व्हीलर ले जाने लायक मौसम नहीं है, तो मुझे अभी ना चाहते हुए भी कार लेके जानी पड़ेगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो कैसा मौसम हो रहा है, धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है, बारिश इतनी आ रही है कि हाँ मतलब भीग सकते हो थोड़ा बहुत। तो इसीलिए चलो अभी कार निकालते हैं और फिर अपन चलते हैं बाहर। चलिए बारिश आ रही है तो मुझे गाड़ी ही निकालनी पड़ेगी आज। ये देखो एल्बम तैयार रखी है, तो ये हमारी शादी की एल्बम है जो कि मुझे यास्मीन ने घर पे लेके जानी है। तो हम लोग कल भी भूल गए थे, इसलिए मम्मी ने आज गाड़ी के ऊपर रख दी कि भाई आएगा तो गाड़ी तो निकाले गई। चलो गाड़ी निकालते हैं। अरे यार काफ़ी गंदी हो रही है, लेकिन मेरे को साफ़ करने का टाइम नहीं है, तो मैं इसको आकर साफ़ करूँगा। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है मैं इस गाड़ी को साफ़ करूँ। भाई साहब मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पे, ड्राइविंग करने का मज़ा आएगा आज, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। देखो दिखाऊं मैं आपको, ये देखो एकदम बढ़िया वाला मौसम हो रहा है। फटाफट से सीट बेल्ट लगा लेते हैं क्योंकि हमारे घर से क्या है बाहर निकलते ही हाईवे है, तो इससे पहले कोई पुलिस वाला देखे हम फटाफट से सीट बेल्ट लगा लेते हैं। एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और जो यास्मीन के कपड़े उसने मंगाए थे मैं वो अभी भूल चुका हूँ घर पे। तो मैं 10 किलोमीटर दूर घर से चला गया था, और देखो मैं वापस जा रहा हूँ अभी फिलहाल। तो मैंने गाड़ी घुमा ली है और अब मैं वापस से घर जा रहा हूँ, और यास्मीन के कपड़े और सैंडल लेके फिर वापस से जाऊँगा। पूरा आधा घंटा खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं वापस से और फटाफट से आते हैं। ये देखो भाई मैं फिर से घर पहुंच चुका हूँ, फटाफट सामान लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये देखो भाई इस सामान के लिए मुझे 10 किलोमीटर दूर से वापस आना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट हो गए, अब जो है मैं वापस से जा रहा हूँ ससुराल की तरफ। अरे लग गई क्या मेहंदी? लग गई, कहाँ लगी? बस यहाँ रह गई। अरे वाह दिखाओ जरा। देखो पैरों में मैंने खुद लगाई है। तुमने खुद लगाई है? और ये अरीबन लगाई। अच्छा ऐसा, दिखाओ जरा। देखो आर देखो कितना सुंदर बना है। नाइस, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो है ना ये जो पैटर्न है ये प्यार लग रहा है। थैंक यू। कब तक चलना है फिर अपने घर? बस अभी 10 मिनट में रेडी। 10 मिनट में पक्का? तो 10 मिनट में मान लूँ मतलब 2 घंटे है ना, 5:30 तो हो रहे हैं अभी, तो वी विल गो अराउंड 7 PM के आसपास। नहीं ठीक है ना, चांद इंशाल्लाह घर पे ही देखेंगे। चलो ठीक है डन। चलने का रहता है नहीं आज? नहीं नहीं चलते। ये देखो रेडी हो गई है। कहाँ जा रही हो वैसे? ससुराल। चलो भाई चलो ससुराल चल रहे हो। तो अभी 1 घंटे में मेरे ख्याल से चांद दिखने वाला है। अभी टाइम हो चुका है 6:15, और चांद कब दिखेगा वैसे कोई आइडिया? इंशाल्लाह नेक्स्ट आधे घंटे में दिख जाएगा। आधे घंटे में ना, सबसे पहले दिख जाएगा। चलिए जाएं। अस्सलाम वालेकुम। चलो अपनी जा रहे हैं। ठीक है अल्लाह हाफिज़। आ जाना घर पे। ठीक है ईद मना रहे हो क्या पहले ही? चलो भाई अब चांद देखने चलते हैं फटाफट, हमें आधे घंटे में घर पहुंचना होगा वरना रास्ते में ही हमारा चांद दिख जाएगा। और सामान ये देखो, ये आई थी 2 दिन के लिए खाली। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 बैग इसके मेरे को लेके जाने हैं अभी। और इसके देखो कपड़े 2 लेके आया था ना मैं, इसने एक तो पहन लिया और इसने एक वैसे ही वापस लेके जाना पड़ रहा है हमें। क्यों करती हो ऐसा यार तुम, है बताओ बोलो।
हैं क्या बोल रहे हो आप बोल दो। ये देखो भाई पूरी पीछे वाली सीट भर चुकी है, ये दो दिन का सामान था यास्मीन का जो पूरा पीछे भर चुका है और आगे हम दोनों बैठने वाले हैं। यार आदिल चलिए जब हम निकल चुके हैं हमारे घर के लिए और अभी बज रहे 6:28, बस थोड़ा सा जल्दी पहुंचना है क्योंकि चांद हमें घर पे ही देखना है। मेरे सर बस जल्दी से पहुंचते हर जगह खुदाई खुदाई हो रही है। चलो भाई फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, आ जाओ भाई जल्दी से चांद दिखने वाला है। चलिए आगे सजिए यहाँ से। ये देखो मम्मी बाहर बैठी हैं, क्या कर रही हो अभी आप मिट्टी फिर से? हाँ चलो भाई अंधेरा क्यों हो रहा है इतना? चांद निकला था बट बादलों के पीछे छुप गया, आई थिंक वो फिर से दिख गया देखो पीछे है ना हल्का सा। ये मम्मी दुआ पढ़ रही है चांद दिखने की है। मम्मी क्या पढ़ रही हो? दुआ पढ़ रही है। नमाज पढ़ रही है। चलो भाई बहुत देर तक यासमीन नमाज पढ़ी है। अल्लाह मियाँ तुम्हें खुश रखे, अल्लाह मियाँ चांद से सबके इतना खुशियाँ दे, अल्लाह ताला तुम लोगों को खूब तरक्की दे, तुम्हें सेहत अच्छी रखे सबकी। तो लेकिन बेसिकली चांद तो तुमको छुप चुका है वहाँ पे बादल के पीछे। देख लिया पहले चांद। देख लिया ना पक्का? सबसे पहले चांद देखा। चलो भाई ये भी अच्छी बात है। हाँ जी पढ़ ली। चांद मुबारक हो। आपको भी अल्लाह हमें सब साथ रखे। आप सबको भी चांद मुबारक, रमजान मुबारक। रमजान मुबारक हो। और बहुत देर तक यासीन नमाज पढ़ी अभी तो बेसिकली यार पता है यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ अभी कि यहाँ पे इतनी चहल पहल नहीं है। जो हमारा पुराना घर था ना वो वाला, तो उसके अंदर भाई वो सिटी में था, पूरा मेन सिटी के अंदर। तो चांद रात वाले दिन वहाँ पे जो उधम होता था, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल का, बहुत रश, मतलब एक्सट्रीम लेवल का रश। लेकिन ये नया एरिया है, जयपुर से बाहर है, तो यहाँ पे मतलब इतना पता नहीं लग रहा कि भाई जो है आज चांद रात है, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा फील हो रहा है। ये लो भाई हम कर रहे हैं रमजान की शॉपिंग। शहरी में खाने के लिए हम बिस्किट लेंगे अभी। क्या लोगे, क्या ढूंढ रहे हो वापस यहाँ पे अभी? खजूर ना? अबे खजूर यहाँ नहीं मिलेंगे, वहीं मिलेंगे अपने रामगंज साइड। ये देखो भाई सबसे बढ़िया चीज़ रमज़ान के अंदर ये है रूह अफ़ज़ा। तुम चाहे कितनी जूस करो लेकिन रूह अफ़ज़ा का जो होता है ना एक पीने के बाद है यासमीन, वो रूह अफ़ज़ा ही पूरा करता है, इसलिए हमने एक ये ले लिया। ये क्या है ग्रीन ग्रीन? ये ऐसा कुछ तो है, ये नारंगी वो उसका भाई। हर कुछ होगा यार, हर कुछ होगा। ये लेमन रस है। अबे यार लड़की क्या क्या ले रही, क्या है ये? सांबर पाउडर है, इससे पता नहीं क्या होता है। पता नहीं क्या होता है, इसको लेने वाले हैं। फालतू पता नहीं, रख दो इसे। ये सामान मिलाना है और ये मिलाना अभी रख दो, बाद में सांबर बन जाता है। अभी बस ये नॉर्मल चीज ले लो, बस दो ही होगी। जो एक्चुअल चीज है वो अपन स्मॉल सिटी से लेके आएंगे चार दरवाजे से, वहाँ बिल्कुल सही सामान मिलेगा। फिर वहाँ से लेना है? मैं वही कह रहा हूँ सामान रामगंज से लेंगे अपन सारा, ज्यादा सही उसमें मिलेगा। ये क्या है, वो समोसे हैं क्या? वो वाली क्या है? पोटैटो बाइट। समोसे हैं क्या? नहीं ये मिली फ्राइड है, गुजिया वगैरह वो है। हाँ, इसको बस तो मीठे हैं क्या? ये मीठे हैं ना? नहीं, ये दिस इज नॉट मीठा, दिस इज चीज बाइट्स, चिली गार्लिक। ठीक है ये अच्छा।
ये 50 वाला, ये 30 वाला है ना जी जी। और ये वाले, ये सब ये 30 वाले, ये 50 का, ये 50 का। एक ये पैक कर दो फिलहाल, एक 50 वाला पैक कर दो। तो हम कौन सा लेने वाले हैं? मैं यही वाला लूंगा। ये लेते हैं ना, ब्लैक वाला अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। लाओ भाई यास्मीन, दिखाओ तुम्हारी मेहंदी रच गई क्या अच्छे से? बहुत प्यारी। दिखाओ। अरे वाह भाई वाह, देखो भाई मेहंदी रच गई। वाह नाइस, ये और अच्छा लग रहा है अब यार, है ना? उस टाइम से ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। हाँ। वाली मेहंदी है जो 10 मिनट वाली होती है ना, जैस्मिन फर्जी वाली मेहंदी। लेकिन ये अच्छी होती है। पैरों की देखो, पैरों की देखो। ओहो, जैसे भी अच्छी है। ये मैंने खुद ने लगाई है। नाइस है ना, ये उससे भी अच्छी लग रही है। थैंक यू।